चलिए आज की क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें हमको एक टेबल बनाना है और यहाँ पर सेल्स को मर्ज करना है। जैसे ये दोनों सेल अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, ये मर्ज करना है हमको यहाँ पर, क्लियर है। तो टेबल में सेल को मर्ज करने के लिए जो ऑप्शन है उसको सिखाने के लिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 रो और 3 कॉलम की टेबल है, क्लियर है। 5 रो और 3 कॉलम की टेबल सबसे पहले हम एमएस वर्ड में क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। 5 रो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, 5 रो और 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको लिखना होगा, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि दोनों एक साथ दिखाई दे हमें। और हमको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कार, और सेकंड वाले को ब्लैंक छोड़ देते हैं, थर्ड वाले में लिखते हैं प्राइस, क्लियर है। थर्ड वाले में हमने लिखा प्राइस, इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखाई देगा आप लोग को। ये टेबल हमको क्रिएट करना है। कार लिखा हमने और यहाँ पर लिखा प्राइस, उसके बाद हमको लिखना है मारुति, या पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये दोनों को सेलेक्ट किया हमने, हमको इसको मर्ज करना है। सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने पर लेआउट आएगा, लेआउट में हम यहाँ पर मर्ज सेल, दोनों सेल एक साथ आपस में जुड़ जाएंगी। वैसे ही ये नीचे के 2 सेल को सेलेक्ट किया मैंने, और क्या किया, मर्ज सेल, क्लियर है। स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब हम डेटा टाइप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा रहेगा मारुति, यहाँ रहेगा ओमनी वैन कैसे, ठीक है जो भी लिखा है लिख देते हैं। 20 कितने जीरो है, 5, 3, 5। उसके बाद अगला हमारा ओमनी के बाद है मारुति 800 और 24, 2 और 3 बार 0। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा, फिर सुमो 39 और 4 times 0, और उसके बाद है फिर और आपका है 44 7 3 times 0। ये हमारा डेटा तैयार हो गया। यहाँ पर एक्चुअली मर्ज सेल करना था और हम इसको सेंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि आप इसको सेंटर कर सकते हैं, इसको आप सेंटर कर सकते हैं, और फिर इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, आपका टेबल जो है दिखाई देगा। असाइनमेंट नंबर 11, आप असाइनमेंट नंबर 11 यहाँ पर देख पा रहे हैं।